जातीय राजपथ में मर्मन्तुद दुर्घटना दुर्घटनारे 9 जणंकर मृत्यु होइतिबा बळे अन्य 3 जण आहत होइछंती। आग्रार एतमादुल्ला थाना अंचल जातीय राजपथ 2 रे भोर समय एक कार को ट्रक धक्का देबारु एही दुर्घटना घटिछि। कार रे 12 जण लोक थिले। कार ड्राइवर को आखि पडिचिबारु एही दुर्घटना घटिथिबा कहा जाउछि। दुर्घटनाग्रस्त कार झारखंड रो ट्रक टी नागालैंड रो होइतिबा जणा पडिछि। आहतंकु डाक्टरखाना रे भर्ती करा जाइछि। हाईवे एरिया में एतमादुल्ला क्षेत्र के नुनिया एरिया में एक स्कॉर्पियो और एक ट्रक के बीच में भिड़ंत न जो है वो हुई है, एक्सीडेंट न हुआ है। ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों जा रहे थे, उसी में एक्सीडेंट हुआ है। स्कॉर्पियो का नियंत्रण खोके वो डिवाइडर क्रॉस करके इस तरफ आई है। नागालैंड का ट्रक की जो पासिंग है, ट्रक का नागालैंड का है और जो कार का पासिंग है वो झारखंड का है। लगभग 8 लोगों की मौत होने की इसमें सूचना है, 4 अभी घायल है। इलाज के लिए उनको त्वरित जो है SN मेडिकल कॉलेज ने भेजा गया है, उपचार उनके चल रहे हैं। आगरा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 9 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। ये हादसा आगरा के नेशनल हाईवे 2 पर हुआ है। जिस वक्त हम उसी नेशनल हाईवे 2 पर खड़े हैं, ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि यहाँ भीषण हादसा हुआ था। ये हादसा कैसे हुआ था ये दिखाने की पुलिस की कोशिश करेंगे। ये जो आप लेन देख रहे हैं, इस तरफ स्कॉर्पियो कार जा रही थी और वही स्कॉर्पियो कार इस लेन से पार करके दूसरी तरफ आई, यानी कि स्कॉर्पियो कार बेकाबू हुई और सीधे ट्रक से जाकर हिट हो गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है और 3 लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है। हादसे के बाद तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 लोगों की हालत बेहद नाजुक बनी है। बताया जा रहा है गाड़ी झारखंड नंबर की है और सभी लोग बिहार के रहने वाले हैं। आरिफ खान, न्यूज 18, आगरा।